अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में है, कुछ चेहरे की हिफाजत, कुछ बालों की हिफाजत के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मैंने आमतौर पर इस्तेमाल की हुई हैं और इनका रिज़ल्ट कैसा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप पार्लर से अपने फेस की या बालों की ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं उनकी क्या प्राइसेस हैं। ये एक पार्लर का ही कार्ड है और इसमें उनकी प्राइसेस वगैरह लिखी हुई हैं। आप पाकिस्तान से कंपेयर कर सकते हैं उनकी प्राइसेस के बारे में। यूरो का इस वक्त रेट जो है वो 1 यूरो का 238 रुपये पाकिस्तानी है, तो इसके हिसाब से फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्तलिफ जो ट्रीटमेंट है उनकी क्या प्राइसेस हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो इनकी फेस की ट्रीटमेंट है वो 55 यूरो इसकी प्राइस है और 50 मिनट्स इसका टाइमिंग है। और ये इसका नाम बोते अहोमाजिक है, फ्रेंच में नेम है। मुख्तलिफ किस्म के तेल के साथ ये ट्रीटमेंट की जाती है। इसके अलावा 35 यूरो, 65, 75 मुख्तलिफ प्राइसेस हैं इनके चेहरे के मुख्तलिफ फेशियल की। और इसके अलावा मेकअप की प्राइसेस यहाँ पे 18 यूरो, 24, 29 यूरो है कम से कम। और मैनीक्योर की प्राइस है 45 यूरो और पेडीक्योर की प्राइस 15 यूरो है। इसके अलावा इस कार्ड पे मुख्तलिफ किस्म की और भी ट्रीटमेंट्स की प्राइस लिखी हुई है। तो मैं आज आपको कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और कुछ जो यहाँ पे अवेलेबल हैं आमतौर पर जो इस्तेमाल मैंने किया हुआ है जिनका रिव्यू देना चाहूँगी, जो कि इस्तेमाल में अच्छी हैं, उनका रिज़ल्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो चलते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ ये एक मड मास्क की तरह है बिल्कुल। आहजी वेफ्ट फ्रेंच में इसका नेम है और ओलिविया जो कंपनी है वो पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये ग्रीन मड मास्क के नाम से शायद यहाँ पे मिल जाए। ये इस पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 100% नेचुरल है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा अरके गुलाब शामिल करके तो आप बिल्कुल एक क्रीम की शक्ल में बना के तो इसको फेस पे लगा सकते हैं। और जब आप इसको फेस पे अप्लाई करें तो इसके ड्राई होने का इंतज़ार करें रिमूव करने के लिए। ये ओपन पोर्स के साइज़ को कम करने में बहुत मदद देता है। जैसे पाकिस्तान में मुल्तानी मिट्टी होती है, बस उसी की ये भी एक किस्म की मिट्टी है और ये ग्रीन मड मास्क इसको कहते हैं। और ये फ्रांस में भी फ्रेंच प्रोडक्ट नहीं है, ये मराकिश की बनी हुई प्रोडक्ट है। 200 ग्राम्स इनकी क्वांटिटी है जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक चल जाती है। और अभी मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर की फॉर्म में है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगली जो प्रोडक्ट है वो है गोल्डन मास्क, पील ऑफ मास्क, इसका नाम है रिफ्रेशिंग गोल्ड। ये भी एक पैकेट में 5 या 6 मास्क होते हैं। ये भी पाकिस्तान में ज़रूर अवेलेबल होंगे शायद किसी और नाम से, लेकिन इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। इसकी पैकिंग में लिखा हुआ था कि इसका इस्तेमाल 12 साल से कम उम्र स्किन पे नहीं करना चाहिए, इसके अलावा जली हुई फटी हुई स्किन पे भी इसका इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। ये भी मास्क है और ग्लिटर मास्क इसके ऊपर लिखा हुआ है पील ऑफ, और ये भी क्लिनजिंग के लिए है। बहुत ही अच्छा इनका भी रिज़ल्ट है। तो हो सकता है आपको पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें यूज़ की हुई और इनका रिज़ल्ट अच्छा है, तो अगर आपको मिले यहाँ पे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला मास्क भी जैसे मैंने आपको ग्रीन मड मास्क दिखाया था, ये भी बिल्कुल उसके साथ मिलता जुलता मास्क है।
और इसका भी रिजल्ट वही है, पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए और इसके अलावा स्किन को बहुत ही नरम और मुलायम करने के लिए, तो इसका भी रिजल्ट अच्छा है। इसको भी यूज करने के लिए आप अर्के गुलाब ले सकते हैं थोड़ा सा, या फिर एलोवेरा जेल भी के साथ भी इसको मिक्स करके फेस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये नेत्रोजेना कंपनी की है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये ब्लैक हेड्स को की रिमूविंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसके अलावा स्किन की डीप क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जितनी भी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका टेक्सचर जो है वो स्क्रब की तरह होता है, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, वो स्किन को डैमेज भी करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल की अफादियत से कौन वाकिफ नहीं है, ये भी फेस के लिए और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका भी मैं अभी आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखा देती हूँ, आप देखिएगा फर्क बिल्कुल साफ जाहिर होगा कि किस तरह से ये स्किन को फौरन से स्मूथ कर देता है। तो देख मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये मैंने इसको स्किन पे अप्लाई किया और जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों हाथों में फर्क बिल्कुल साफ जाहिर है और इंस्टेंट रिजल्ट आपको इसका मिलता है। ये जो मास्क है ये बालों के लिए है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा खुश्क हैं, खराब हो चुके हैं और उसकी रिपेयरिंग के लिए अगर आप कुछ तलाश कर रहे हैं तो ये एक बेहतरीन चीज़ है, और इसको शैम्पू के बाद इस्तेमाल करना होता है। और अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ऐसा जो आपके बाल डैमेज हो चुके हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।